दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो बकत के बच्चे देख रहे हैं ये जंगली बकत है जो कि मछली वगैरह जो पकड़ते हैं तालाबों में, ये सबका बच्चे हैं जो कि 5-7 किलो है, 9 लगभग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पकड़ के ले चल के, मैं बहुत अच्छा सुंदर सा लगता है ये बच्चे, हमें बहुत प्यारा लगा। जो कि इनका माँ बाप बिछड़ गए थे तो कुत्ता पकड़ रहे थे, तो मैंने पकड़ के लाया अपने घर में रखने के लिए। तो देखिए 8-9 बच्चे हैं जो कि बच्चे हुए हैं अभी 6, तो जितने हैं कितना प्यारा से हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। तो हम कैसे इसको पालेंगे, मैं ले जाकर जंगल में किसी तरफ छोड़ दूंगा। तो चलिए मैंने पनबुड्ढे के बच्चे को भी दिखाते हैं कि ये अपने बच्चे के लिए किस तरीके के छपटियाते हैं, अभी कुछ टाइम के बाद दिखाएँगे आप लोगों को। तो देखिए कितना प्यारा सा अभी ये लोग खेल रहे हैं, कितना अच्छा क्यूट लग रहे हैं ये लोग, बहुत प्यारा लगता है। हमारे घर के ही बाजू में ही है जो कि जंगल की तरफ हमारे घर से, तो इसी पेड़ के ऊपर रहते हैं जो कि उधर जो उधर जो बोला जाता है, उधर जो हमारे तरफ बांस बोलते हैं इसको, बम्बू के। तो इन बच्चे को थोड़ा सा पकड़ लिया, तो देखिए कितना छपटिया रहा है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान करना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा है जो कि पकड़ा है, तो मैंने चिढ़ाने के लिए उसको माँ बाप को देखते थे कि कितना प्यार देते हैं, तो उसका माँ बाप देखो बहुत चिढ़ रहे हैं और बहुत अपने भाषा में बहुत गालियाँ रहे हैं। जो कि इधर लेकर आया, अभी इसको पहटेगा मारने के लिए भी उसका माँ, जो कि बहुत परेशान करता है। तो ये छोटू भी डरता है, तो जाने के लिए थोड़ा सा डर रहा था, तो इसलिए बराबर नहीं पा रहे हैं। तो दिखाएंगे अभी, रुको वेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये रहा बच्चा जो कि उसकी माँ है, बहुत पहटता है मारने के लिए। तो अभी दिखाते हैं, देखिए अभी वो गया उधर, तो अभी वो नाच के इस तरीके से पीछे पीछे अभी जाएगा उस तरीके से मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। जो कि देखिए इसी के अंदर अभी होगा, देखो ये अभी प्यार से देखना ध्यान से, ये रहा देखो आ रहा है, वो रहा ध्यान से, ये रहा देखो उसका है। छोटू का तो फट रहा है डर को जैसे, क्योंकि बहुत किसी का भी प्यारा बच्चे होते हैं तो भाई मारपीट तो करना ही पड़ता है, तो उसका भी बच्चे हैं जो कि प्यारा है। ये देखिए कितना छपिया रहा है, मैं थोड़ा सा मनोरंजन के लिए मैं देख रहा था, और किसी बच्चे को परेशान और किसी जीव जंतु को परेशान करने के लिए नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कि किसी को बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे बच्चे, चाहे इंसान हो, कोई भी हो। जैसे अपने इंसान परेशान होते हैं तो लोग बेजुबान है, तो वो लोग बोल नहीं पाते, इसीलिए वो लोग अपने तरीके से परेशान बहुत हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बाकी लोग समझते हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हो तो लोग कम बेवकूफ़ी होता है। तो हमने जानबूझ के मैंने दिखाया रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा है। अभी हम लोग खिला कूदा छोड़ देते हैं यहीं पर, रोज का रोज, हर रोज़ाना थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं पालने पोसना। थोड़ा सा कुछ लग चोट चोट लग जाता है तो उसको थोड़ा सा जो हमसे हो सकता है दवा के दर्पण के हिसाब से मैंने उसको करके छोड़ देता हूँ। ये थोड़ा सा बच्चा का चोट लग गया था, इसलिए हमने पकड़े थे तो मैंने छोड़ दिया 2 के बाद। थोड़ा सा प्यारा सा जो कि चोट लगा दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर के हिसाब से, तो थोड़ा सा चलने लगा है, तो अभी छोड़ देंगे कुछ टाइम के पहले। तो मैंने देखना क्या प्यारा सा क्यूट सा लगता है, और बहुत प्यारा लगता है जो कि हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना जरूर दोस्तों। ये देखो 3 है, अभी 1-2 और है जो कि अभी दिखाते हैं आप लोगों को। सभी का सभी बच्चे को अभी ले जाके हमने छोड़ देंगे, तो कितना प्यारा सा अपने माँ बाप के पास है लोग, क्या प्यार से जाएंगे। ये देखो उसका मार दिया गया है, अभी छोड़ दिए, अभी देखना क्या ध्यान से प्यारा सा एकदम जाएंगे। ये देखो पानी में लेकर जा रहा है, जो कि ये लोग पानी में ज़्यादा रहता है, इसको पनबुड्ढी बोला जाता है इस बच्चे इस जानवर को, जो कि ये देखिए लेकर जा रहा है बहुत प्यारा से। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी बहुत प्यारा सा हमें लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, तो देखिए देख रहे हो ना, थोड़ा हमारा वीडियो साफ नहीं आ रहा है जो कि थोड़ा मौसम की वजह से, और मेरा कैमरा साफ नहीं है, तो दोस्तों ध्यान से देखना। तो देखो कितना अच्छा से लेकर जा रहा है, पानी में डूब भी नहीं रहा है, जो कि मेरे पानी कमर तक इसमें गड्ढे में है, लेकिन फिर भी वो लोग का लिए आम बात है, हम लोगों के लिए तो नहीं पढ़ सकते हैं। और ये देखो चारों बच्चा लेकर जा रहा है दोनों,
अपने माँ बाप के पीछे पीछे चला जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा